आज न्यू रेडियंट प्राइवेट ITI डेरनी रोड भेल्दी सारण में हाउस वायरिंग करने जा रहे हैं, जिसका सर्किट डायग्राम चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। सेम इसी चित्र के सहायता से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और कनेक्शन करेंगे, जो कि होगा हाउस वायरिंग। सर्किट डायग्राम बनाया है वैसा हाउस वायरिंग का कनेक्शन किया है, प्रैक्टिकल किया है, ठीक। तो हाउस वायरिंग में होता क्या है, ये फ्यूज इंडिकेटर और फ्यूज सॉकेट जो होते हैं, ठीक। और उसके बाद दो तीन लैंप या सेलिंग रूम इस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो ये देखना है हम लोग, ये स्विच ऑन करना है, एक लैंप जल गया, ठीक। ये स्विच ऑन करेंगे वो भी लैंप जल जाएगा, फिर ये जो होगा हमारा सेलिंग रूम का होगा, ठीक। ये जो होगा सेलिंग रूम का स्विच है, और ये जो है क्या है, फाइव पिन सॉकेट का है। तो सॉकेट में देखो लाइन आ रहा है, इससे हम लोग टेस्टर लगा करके मैच चेक करेंगे। इस तरह से हम लोग का कौन सा वायरिंग होता है, ये हाउस वायरिंग। तो ये हम लोग हाउस वायरिंग सक्सेसफुल हुआ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हाउस वायरिंग में जितना आप लाइन लगाएंगे उतना जलेगा, सब पैरेलल में जलेगा और सब ज़्यादा प्रकाश करेगा। ये नहीं कि दो जला देंगे तो कम प्रकाश किया, ऐसा नहीं होता, सब समान प्रकाश ही करेगा। क्योंकि हाउस वायरिंग क्या होता है, पैरेलल में कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन होगा हाउस वायरिंग, पैरेलल में होता है, ठीक। और इसमें हम लोग फ्यूज इंडिकेटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं फ्यूज इंडिकेटर, क्योंकि हमारे स्पोर्ट में, क्योंकि ये इसमें हमारा फ्यूज रहेगा तो सेफ्टी भी बढ़ जाए, और ये जो इंडिकेटर रहेगा ताकि लाइन बताएगा कि लाइन इसमें है कि नहीं। इस तरह से हम लोग हाउस वायरिंग करते हैं, ठीक है। थैंक यू।